हेलो लर्नर्स, मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने ये समझा कि प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार कार्यकर्ता, एक्सटेंशन वर्कर क्या कार्य करते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए इनमें, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, प्रसार शिक्षा किस तरह की शिक्षा के अंतर्गत आता है, ये सब आपने समझा। इस इकाई में हम प्रसार शिक्षा की विशिष्टताओं के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस इकाई के उद्देश्यों की, क्योंकि किसी भी जो हम लेसन पढ़ते हैं या किसी भी इकाई को पढ़ने का कोई उद्देश्य होता है कि इस इकाई के पश्चात आपको क्या क्या पता चल पाएगा या किस किस के बारे में आप जागरूक हो पाएंगे। तो इस इकाई का उद्देश्य है प्रसार शिक्षा की अवधारणा एवं परिभाषाएं जो डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा दी गई हैं उनके बारे में आपको बताना। इसके अलावा प्रसार शिक्षा के मूलभूत गुण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में आपको बताना, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में, अनौपचारिक प्रसार शिक्षण क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा, सतत शिक्षा, प्रसार शिक्षा, गैर संस्थान दर्शन या प्रसार शिक्षा दर्शन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रसार शिक्षा की अवधारणा एवं परिभाषा क्या क्या है। प्रसार शिक्षा एक परंपरागत एवं सुव्यवस्थित शिक्षण संस्थानों में पूर्व निर्धारित संगठित एवं औपचारिक पाठ्यक्रमों से परे युवाओं एवं प्रौढ़ों को प्रदान की जाती है। जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि प्रसार शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक इन्वायरमेंट, इस जो पढ़ाई का एक इन्वायरमेंट है वो नहीं तैयार किया जाता आपको नेचुरल कंडीशंस में, नेचुरल जो आपकी परिस्थितियां हैं उनमें ही शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। प्रसार शिक्षा के मूल में ग्रामीण विकास की अवधारणा निहित है। प्रसार शिक्षा, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, किसी नवाचार के प्रसार या किसी भी नई ऐसी जागरूकता को फैलाने के लिए, या फिर कोई नई मशीनरी है या कुछ भी नया जो कुछ हो रहा है जो किसी भी तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा सके, तो उसका प्रसार करना होता है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार और इन चीज़ों की ज़रूरत गांव में ही है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो अभी इन चीज़ों से थोड़ा दूर हैं और जागरूकता की वहाँ पे थोड़ी कमी देखी जाती है। तो इसलिए जो प्रसार शिक्षा है इसका जो मेन काम है वो गाँव का विकास है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से स्वयं की समस्याओं का समाधान करना है। इसका अर्थ यह है कि हम लोगों को इतना जागरूक कर दें, उनको उनके हितों के बारे में, उनको उनके हकों के बारे में, उनको उनके आसपास के जो संसाधन हैं उनके बारे में इतना जागरूक कर देना कि वो अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाल सकें, उन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े, वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि अपना सभी कार्य वो खुद से कर पाए। तो ये एक उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का। तो जैसे इसमें किया क्या जाता है, आदमी को इतना प्रेरित किया जाता है कार्य करने के लिए कि वो उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि वो यह कार्य कर सकता है। तो प्रसार शिक्षा यह कार्य करता है जिससे कि आदमी डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़े और सेल्फ रिलायबिलिटी बढ़े। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि प्रसार शिक्षा की अवधारणाओं को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। प्रसार शिक्षा की अवधारणाओं को समझने के लिए प्रसार शिक्षा को ही समझना है। प्रसार शिक्षा क्या है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, प्रसार शिक्षा जो प्रसार कार्यकर्ता है वो एक मीडिएटर है, जो आवश्यकता है, जो नीडी है, जिनको आवश्यकता है उनके, और जो उस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं उनके मध्य में। तो इस प्रकार से आपसी सहयोग बहुत आवश्यक है। जो जागरूकता फैलाना चाहता है और जिसको जागरूक करना है, उन दोनों का ही इंटरेस्ट लेना, उन दोनों का ही उसमें सहयोग देना अति आवश्यक है, तभी एक प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम सफल हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं, ज्ञानार्जन की परिधि को और अधिक प्रसारित करना तथा इसे सभी के लिए उपलब्ध कराना। तो ज्ञानार्जन अर्थात ज्ञान का अर्जन करना अर्थात ज्ञान प्रदान करना डिफरेंट तरीकों से, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, जिससे कि जो हमारे टारगेट पीपल्स हैं वो लाभान्वित हों। मेन उद्देश्य है कि जो नीडी पीपल्स हैं उनकी नीड्स पूरी हों। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्त करने के माध्यमों को संस्थागत बंधनों से मुक्त करना। उसके बाद आता है परिवार, समुदाय, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं के प्रति आदर भाव होना। आपको उससे ही साफ जाहिर हो रहा है कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा है प्रजातंत्र तथा सामाजिक न्याय व्यवस्था में विश्वास पैदा करना, जन संस्थाओं, संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा, ये भी एक अवधारणा होती है, व्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना, यह एहसास दिलाना कि व्यक्ति ही सबसे प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले व्यक्ति को दी जा रही है, संसाधनों को नहीं। तो इससे क्या होगा कि उन जो लोग हैं, जो भी टारगेट आपके पीपल्स हैं या विलेजर्स हैं या जो भी व्यक्ति है, उसका आप पे विश्वास बढ़ेगा। स्वतः प्रेरणा तथा स्वावलंबन, जैसा हम पहले ही बता सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाना, स्थानीय संसाधनों तथा स्थानीय नेतृत्व में विकास। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग जितना अधिक होगा उतना ज्यादा हम उनको प्रेरित कर पाएंगे, क्योंकि संसाधनों को जुटाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की। जो लोकली रिसोर्सेज हैं उन्हीं को मैक्सिमम यूज करके उनका फायदा उठाया जाए, उन्हीं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। वैज्ञानिक जानकारियों एवं तकनीकी पद्धतियों के प्रति जिज्ञासा तथा विश्वास, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इनके प्रति विश्वास ही नहीं होगा तो एडॉप्शन इम्पॉसिबल है, वो लोग एडॉप्ट कर ही नहीं सकते यदि विश्वास पैदा ना कर सके। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इस इकाई में हम कुछ जो प्रसार शिक्षा, प्रसार की जो डिफरेंट परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डगलस स्मिजर के अनुसार देखते हैं, इन्होंने प्रसार शिक्षा के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि प्रसार एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियां तथा अभ्यास में परिवर्तन लाना है जिसके साथ कार्य किया जाना है। इस प्रकार यह परिभाषा व्यक्ति तथा समूह की अभिवृत्तियों एवं कार्य करने की पद्धति में सुधार लाने पर बल देती है। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिससे हम जिस व्यक्ति में चेंज लाना चाहते हैं उसमें, उसके साथ हमें मिलकर ही कार्य करना है। अर्थात कि हम जैसे कि प्रसार शिक्षा प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज्यादा जोर देता है कि प्रैक्टिकली व्यक्ति को सिखाया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रेस्प करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। तो जब हम इनका कहना यह है कि कोई नई पद्धति आती है, कोई नया नवाचार आता है, तो जो व्यक्ति हैं या जो ग्रामीण लोग हैं उनको इस बात का एहसास दिलाना कि इस नई पद्धति या नवाचार को अपना कर वो अपने कुछ कार्य जो है वो सरल कर सकते हैं या फिर कम समय में कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको इसका, किस प्रकार से वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, इसका ज्ञान हम करा सकते हैं प्रसार शिक्षा के द्वारा। एक दूसरे लेखक हैं वीटी कृष्णामाचारी, इनके अनुसार प्रसार अनवरुद्ध रूप से चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसकी संरचना ग्रामीणों की समस्याओं को पहचानने एवं उनके निदान हेतु विभिन्न विधियों को खोजने से संबंधित है, साथ ही साथ इसका संबंध ग्रामीणों को सकारात्मक दिशा में कार्य करने को प्रेरित करना भी है। इसमें सब क्लियर ही है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो शैक्षणिक विधियों का प्रयोग कर संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। प्रसार शिक्षा का मेन उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना, कौशल विकास करना और लोगों के जो कार्य पद्धतियां हैं उनको आसान बनाना। तो चाहे किसी ने भी इसकी परिभाषा दी हो पर जो मूल है वो सबका एक ही है।
ओपिनहामा के अनुसार प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में उन्नत पद्धतियों के विषय में सूचना प्रदान की जाती है तथा समुचित प्रकार से परामर्श देकर सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार एसवी सुपे के अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमा से बाहर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। तो ये तो बात हुई प्रसार शिक्षा की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रसार शिक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में कि प्रसार शिक्षा की खुद में क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले प्रसार शिक्षा एक पूर्णतः व्यवहारिक शिक्षा है जिसमें व्यक्ति की प्राकृतिक योग्यता के आधार पर करके सीखने पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात प्रैक्टिकली समझाना। कोई भी चीज अगर आप केवल पढ़ के बताएंगे या केवल उसकी थ्योरेटिकल जानकारी देंगे तो वो उतनी प्रभावशाली नहीं होगी जितना अगर हम उन्हें प्रैक्टिकली समझाएं, उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाएं। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ कि जैसे अगर कोई नई तकनीक आई है जिससे कि किसान जो हैं वो अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, तो हमें ये खेतों पे जाके, उनके खेतों पे जाके इस विधि का प्रयोग करके उसका सफल जो रिजल्ट है वो उनको दिखाना चाहिए। तो जो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होगा लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा वो बहुत प्रभावशाली होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा किसी निर्धारित एवं सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है। यह शिक्षा शिक्षणार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं ये औपचारिक शिक्षा नहीं है। औपचारिक शिक्षा में एक फिक्स्ड करिकुलम होता है जिसको पढ़ाया जाता है, जिसको सभी विद्यार्थियों को एक समान बता दिया जाता है। लेकिन प्रसार शिक्षा में हर व्यक्ति की आवश्यकताओं और उनकी कैपेबिलिटीज को देख के उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रसार शिक्षा का स्वरूप अत्यंत लचीला होता है और यह बिना अपना प्रभाव छोड़े व्यक्ति की रुचि आवश्यकताएं समय के अनुकूल ढाली जा सकती है बिल्कुल, क्योंकि ये फिक्स करिकुलम नहीं है। प्रसार शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु सीमा जैसी कोई बाध्यता नहीं होती है। प्रसार शिक्षा किसी भी आयु वर्ग को प्रदान की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। प्रसार शिक्षा उपाधि आधारित नहीं है, इसके लिए हम कोई डिग्री नहीं देते हैं। प्रसार शिक्षा प्रदान करने हेतु निश्चित स्थान समय निर्धारित नहीं है, यहाँ तक कि इसका कोई निश्चित विषय भी नहीं होता, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्रसार शिक्षा शिक्षणार्थियों को उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराई जा सकती है। नेक्स्ट है, इस शिक्षा में नियमितता कोई बाधा नहीं है, अर्थात आपको डेली एक क्लास अटेंड करनी है, डेली कहीं पे जाना है, ऐसा कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षणार्थियों की आयु रुचि अनुभव एवं योग्यता में पर्याप्त अंतर होता है। प्रसार कार्यकर्ताओं के द्वारा यह शिक्षा शिक्षणार्थियों को उनके उपलब्ध समय पर दी जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उन्हें नहीं बुलाते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम बाउंड करेंगे तो वो लोग नहीं आएंगे और वो अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे। हमें उनकी सहूलियत के आधार पर उनके खाली समय पे जिस समय वो फ्री होते हैं उस समय उन्हें टाइम देना होगा और उस समय ही उन्हें वहां पे शिक्षित करना होगा, तभी प्रसार शिक्षा सफलतापूर्वक हो सकेगी। प्रसार शिक्षा में शिक्षण समूह समांग नहीं होते, साथ ही इन शिक्षणार्थियों के लक्ष्यों में भी भिन्नता होती है। यहाँ शिक्षण की प्रकृति भी क्षैतिज होती है। शिक्षा समस्या निदान पर बल देती है, बिल्कुल ये नीड ओरिएंटेड होती है, तो समस्या समाधान आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों की। सबसे पहले है मौलिक आवश्यकताओं तथा रुचि का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति की मनुष्य का जो जीवन है वह तभी सफल और संतुष्ट होता है जब उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसकी समस्याओं का निदान होता है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रसार कार्य जो है वो गांव से संबंधित है, मतलब मेनली गांव से संबंधित है। गांव में जो कृषि कार्य हो रहा है, गांव में पशुपालन हो रहा है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो चलाई जा रही हैं,
क्योंकि इनको अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, अगर इनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो ये लोग उस स्तर तक काम नहीं कर पाएंगे जिस स्तर पर काम करना आवश्यक है और जो देश की, समाज की, सबकी उन्नति के लिए आवश्यक है। तो इनको प्रोत्साहित करना, इनको सपोर्ट करना, इनमें जागरूकता लाना, इनको नई नई विधियां, नवाचारों से अवगत कराना बहुत आवश्यक है। और प्रसार कार्यों की सफलता में मौलिक आवश्यकताओं और रुचि का सिद्धांत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर व्यक्ति इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, अगर जिसको हम जिसके जिनके बीच में जिनके मध्य में हम ये जागरूकता लाने चाह रहे हैं, अगर वह इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो यह नवाचार संभव नहीं होगा, प्रसार शिक्षा जो है वो संभव नहीं होगी। तो उनकी मौलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए हमें इसको प्लान करना चाहिए। इसके बाद सेकंड है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। स्वैच्छिक शिक्षा अर्थात जिसको हम शिक्षित करने जा रहे हैं, जिसके मध्य हम प्रसार शिक्षा का कार्य करना चाह रहे हैं, उसका इसमें इंटरेस्ट होना, उसमें इसकी इच्छा होना अति आवश्यक है। अनिच्छा से अगर कोई व्यक्ति शामिल होगा तो वह उतना अच्छे से सीख भी नहीं पाएगा और वह कार्य उस लेवल तक सफल नहीं हो पाएगा जिस लेवल तक होना चाहिए। और वह परिवर्तन भी तभी उसकी, आपने भी देखा होगा जब कोई काम आप अपने मन से करते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम गेन करते हैं, लेकिन अगर कोई आप बेमन से करते हैं, आपसे जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है, तो उसमें उस लेवल तक आप गेन नहीं कर पाते हैं जितना आप कर सकते हैं। तो यही नियम प्रसार शिक्षा में भी लागू होता है, अतः व्यक्ति की इच्छा होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर जो कि है स्वयं सहायता का सिद्धांत। जैसे कि आपने भी सुना होगा, हम अक्सर ही कहते हैं कि ईश्वर भगवान जो है, ईश्वर जो है उसी की मदद करता है जो अपनी स्वयं की मदद करता है। तो प्रसार शिक्षा भी स्वयं की सहायता के सिद्धांत पे आधारित है, अर्थात अगर व्यक्ति खुद को मदद करना चाहे, खुद के लिए करना चाहे, खुद की सहायता करना चाहे, तभी वह आगे को प्रगति या फिर आपने जो कौशलों का विकास है, जो उसमें परिवर्तन आने, वो संभव तभी है जब वह व्यक्ति स्वयं की सहायता करना चाहे, स्वयं को बढ़ाना चाहे, स्वयं की मदद करना चाहे। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता का सिद्धांत जो है वो प्रूफ होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर जो कि है करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, जिसे हम पहले बात कर चुके हैं कि कुछ ये एक व्यवहारिक शिक्षा है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इससे क्या हो रहा है, इससे हमें लाभ होगा, इससे हमें नहीं होगा। मतलब कोई भी आप रिजल्ट, किसी भी निष्कर्ष पे आप नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप इसको ट्राई ना करें। आइए बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर जो कि है स्वावलंबन का सिद्धांत। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है स्वावलंबी बनाना, अर्थात कोशिश करना कि व्यक्ति अपनी अपने कर्म, अपने कार्यों के द्वारा अपने को मजबूत बना के अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, स्वावलंबी बने, कुछ ऐसा कार्य करे जिससे उसे अंदर से अच्छा फील हो और वो अपने जीवन स्तर में जिससे कि सुधार लाए। तो स्वावलंबन अति आवश्यक है, व्यक्ति का स्वावलंबी होना भी बहुत आवश्यक है। सहयोग का सिद्धांत, सहयोग प्रसार कार्यक्रम जो है वो पूर्णतः सहयोग के सिद्धांत पे आधारित है, क्योंकि अगर जो ग्रामीण समुदाय है वो हमें सहयोग नहीं करेगा, प्रसार जो प्रसार कार्यकर्ता जो हैं या फिर जो भी प्रसार का कार्य करने जा रहे हैं उनको अगर सहयोग नहीं करेंगे वो ग्रामीण, तो प्रसार शिक्षा संभव नहीं है। तो जो शिक्षक है और जो शिक्षार्थी है दोनों का ही सहयोग बहुत आवश्यक है। शिक्षक का जो सहयोग है वो शिक्षा देने में, शिक्षार्थी का उसको ग्रहण करने में, तो दोनों का एक दूसरे को सहयोग करना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अनुनय, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। आप भी जानते हैं कि प्रोत्साहन, चाहे वो किसी भी कार्य में हो, आपको प्रोत्साहन जो है वो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है प्रोत्साहन। और इसी प्रकार से अभिप्रेरणा, क्योंकि जो ग्रामीण होते हैं वो बहुत भोले भाले होते हैं, तो इनके अगर एक भी इनको कोई गलत अनुभव हो गया, अगर एक भी बार इन्हें किसी छल कपट का एहसास हो गया या इनको लगा कि इनके साथ धोखा हो रहा है, तो ये पुनः आप पे विश्वास नहीं करेंगे। अतः उनको बहुत ही ज्यादा विश्वास से और बहुत ज्यादा
प्रोत्साहित करते हुए उनके साथ कार्य को करना चाहिए। नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत यह बताता है कि प्रसार शिक्षा जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रसार शिक्षा सतत विकास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी कार्य करती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि प्रसार एक आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है, नीड बेस्ड। व्यक्ति की नीड है तो हमने उसके बीच में एक कोई नवाचार उसको इसके माध्यम से उसे जागरूक, उसे प्रेरित करने का प्रयास करना होता है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि एक तो यह आवश्यक है जो प्रसार कार्य करता है वहां की परिस्थितियों, वहां की समस्याओं, वहां के लोगों से भलीभांति परिचित होना चाहिए। और इसके अलावा उसको वहां के भौतिक, प्राकृतिक, मानवीय संसाधन जो भी वहां पे अवेलेबल हैं उनकी पता होनी चाहिए। उनके बारे में ये ना हो कि वो कुछ भी बात कर रहा हो, उसे पता ही ना हो कि यहाँ पे अवेलेबल है। हमने कह दिया कि आपको ये लेके आना है, आपके पास ये है, आप इससे ये कर सकते हैं, कोई भी चीज अवेलेबल है लेकिन एक्चुअल में अवेलेबल हो ही ना। तो इससे एक तो व्यक्ति पे विश्वास कम हो जाता है, और क्योंकि इसे सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रसार जो कार्य करता है उसको बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया और कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहीं कहीं उसमें तो साल भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई फसल पे कोई वो करना चाह रहे हैं, कोई दिखाना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल करके, तो उसके लिए आपको जो फसल का पूरा टाइम है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर जो भी है उतना वेट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए धैर्य और उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये सतत विकास का सिद्धांत है। अगला है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत अर्थात बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है किसी भी रूल पे, क्योंकि ये हमारे कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो गांव में हैं, जो उम्र में बड़े हो सकते हैं, जो कई समय से अपना कार्य कर रहे होंगे और जो पढ़ाई और इनसे काफी दूर हैं। तो उनको पुनः पढ़ाई की ओर प्रेरित करना, उन्हें पुनः किसी चीज को सिखाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। अतः थोड़ा लचीलापन आवश्यक है, क्योंकि आप उनको समय बाउंड नहीं कर सकते। आप उनके साथ ये नहीं कह सकते कि आपको सुबह आना है, शाम आना है, या आपको इतना ही सीखना है। आप करिकुलम बेस नहीं कर सकते। आप उनकी इच्छाओं और उनके समस्याओं, उनके समय के हिसाब से आपको थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, धर्म हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, वेशभूषा, खान पान। आप भी जानते हैं कि जो भारत है वो विभिन्नताओं का देश है। तो यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह की भाषाएं हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो कार्यक्रम एक क्षेत्र के लिए, एक तरह के लोगों के लिए सफल हुआ है वो दूसरों में भी सफल हो। हो सकता है वहां के लिए आपको कोई दूसरा प्रोग्राम लाना पड़े। तो इस प्रकार से जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं या जो भी भिन्नताएं, इनको चाहे भाषा में हो, धर्म में हो, परंपराओं में हो, वेशभूषाओं में, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी कार्य जो है वो किसी के लिए तैयार करना चाहिए, किसी भी मास के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन, जैसे किसी भी समाज में समय के साथ परिवर्तन होता ही है, और भारत की जब स्वतंत्रता हुई उसके पश्चात भारतीय समाज में शिक्षा, बौद्धिक स्तर, आर्थिक स्तर, मानसिक स्तर में काफी परिवर्तन उस समय और उसके बाद के समय में देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। वो हमारे और आने वाले समय या हमसे पहले और आज वाले समय में भी देखने को आपको मिलेगा। तो प्रसार शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तनों के दृष्टिगत लाभार्थियों को प्रदत्त की जाती है। इसमें जो शिक्षण विधियां होंगी, विषय वस्तु है, वांछित लक्ष्य हैं, इनको और प्रभावी बनाने के लिए समसामयिक घटनाक्रम और मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये है आपका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, अर्थात जो भी परिवर्तन हुए हैं समय समय पर उनको ध्यान में रखा जाए। जड़ मूल से आरंभ करने का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में विकास कार्य के मूल अर्थात जड़ के रूप में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। प्रसार शिक्षा में विकास कार्यक्रमों का आरंभ गांव से किया जाता है। जैसा कि माना जाता है कि जो किसी चीज की भी शुरुआत है वो गांव से होती है, तो यहीं से ग्रामीण विकास को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि ग्रामीणों को ही यहां से, मतलब शुरुआत जो है हमारे किसी समाज की वो गांव को माना जाता है। नेक्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता प्रसार कार्यक्रमों में विशेष भूमिका निभाती है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं
कि आपसी सहयोग शिक्षक और शिक्षार्थी के दोनों के मध्य आपसी सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे आपने देखा है समय समय पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे रोजगार योजना हो गई, बाल विकास हो गई, जननी सुरक्षा या टीकाकरण कोई है, तो इसमें अगर वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, वो कहेंगे हमें नहीं करना है, हमें ये योजनाएं नहीं चाहिए या हम इसका लाभ नहीं उठाना चाहते, तो हमारी तो वो योजना सफल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप है, जो नीडी पीपल्स हैं, वो लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो उनकी सहभागिता अति आवश्यक है। तो ये हमारा पहला वो होना चाहिए कि पहली कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि वो हम पे विश्वास करें, हमेशा सहयोग करें, हम भी उन्हें सहयोग करें। तो इस तरीके से एक प्रसार शिक्षक जो है वो उनके उनको फिर लाभान्वित कर सकता है। तो ये तो हमने बात करी कुछ सिद्धांतों की प्रसार शिक्षा की। आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे के कुछ सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ अन्य टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।